जो शिया नुमाइंदे हैं, जो MLC हैं, वो बेचारे किधर है नहीं मालूम, खाली फेसबुक पे फोटोस आ रही कि हम जो है बीके आलम में कोई शेड डाले, पानी नहीं आने का शेड डाले, पानी आया तो जो शेड डालते हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं है। ये जो है मुखालिफत में सिर्फ छोटा सा काम कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये शेड डलता है 10 दिन के लिए, और 10 मुहर्रम को सवारी अलम मुबारक बरामद होने से पहले ये शेड को निकाला जाता है, क्योंकि अलम मुबारक जेर समा है। तो ये तब काम है, इनको कहां मालूम है। उनके पिछले कई साल से, 2-4 साल से बारिश के दौरान जो है अय्याम अज़ा मुहर्रम आ रहा है, तो इसके जमन में ज़ायरीन की जानिब से इस बात को सदर मोहतरम नकीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट से मिलकर ज़ायरीन ने उनसे ये बात रखी थी कि ज़ायरीन को बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि हेवी रेन होने की वजह से ज़ायरीन, क्योंकि स्पैन ओपन स्पैन है अलावे बीबी का, तो काफ़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि सुबह के वक्त वहाँ पर हमारी इज्जतदार माँ बहनें अपनी इबादतें अंजाम देती हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो बर वक्त सदर मोहतरम की नुमाइंदगी पर पहली इस बार शेड जो है डलवाया गया, तो मैं समझता हूँ कि उस साल शेड तकमील होने में पहली मुहर्रम या दूसरी मुहर्रम हुई थी, बल्कि उसके बाद से आज तक जो शेड डलवाया जा रहा है मजलिसी की नुमाइंदगी पर खबलस वक्त तकमील किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा इस साल का भी शेड अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन पहले, चांद रात से पहले तकमील हो चुका, और इस काम की निगरानी और इन काम को इंप्लीमेंट करे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जाए।